भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,551 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,07,588 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,35,364 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 70 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,26,600 हो गई है। देश में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,35,364 हो गई है, जो कुल मामलों की 0.31% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,114 की कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.50% है। आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 4.94% जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.64% है। देश में अभी तक कुल 4,34,24,029 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड 19 से मृत्यु दर 1.19% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड 19 रोधी टीकों की 205.22 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख और अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चली गई थी। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के मामले 4 करोड़ को पार कर गए थे। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।